तो हे गाइस, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारी गेम के अंदर न्यू इवो बंडल आने वाला है और इसी इवो बंडल के साथ आने वाली है अपनी न्यू इवो M10 2.0। अब ये जो गाइस दोनों ही बहुत खतरनाक से रिवॉर्ड है वो आएंगे अपने नेक्स्ट मंथ में। मेरे ख्याल से भाई ज्यादातर लोग इन दोनों रिवॉर्ड को परचेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इन दोनों को लेने के लिए भाई तुम्हें बहुत सारे डायमंड को खर्च करना पड़ेगा। तो यार इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमें न्यू इवो गन को लेने चाहिए या फिर हमें न्यू इवो बंडल को लेना चाहिए। टोटली आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, तो वीडियो को एंड तक देखना वरना तुम भाई बहुत कुछ मिस कर दोगे। कौन सा रिवॉर्ड बेस्ट है वो डिसाइड करने के लिए भाई इन दोनों रिवॉर्ड में कौन कौन से फीचर मिलते हैं गाइस वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इवो M10 में हमें कौन कौन से फीचर मिलते हैं। नॉर्मली जो हमारी इवो गन होती है उससे हम लोग टोटल 7 लेवल तक अपग्रेड कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन इस वाली इवो गन को आपको टोटल 8 लेवल तक अपग्रेड करना पड़ेगा। इस इवो गन की खास बात ये है कि इसका आप लोग नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी गाइस ये इवो गन आपको लेवल 2 पे कुछ ऐसे दिखने वाली है, ठीक है, जो कि भाई लुक भी काफी अच्छा है। फिर इसके बाद जैसे ही आप इसे लेवल 3 पे अपग्रेड करोगे इसका लुक थोड़ा सा चेंज होगा। साथ में गाइस दूसरा फीचर ये है कि भाई इस इवो गन से आपने कितने एनिमी को मारा वो भी यहाँ पे काउंट होगा। और अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट्स की तो इसमें आपको रेट ऑफ फायर डबल मिलता है और साथ में आपको आर्मर पेनिट्रेशन सिंगल प्लस मिलता है। और इस इवो गन की खास बात ये है कि भाई इस इवो गन के एट्रीब्यूट्स को आप लोग चेंज कर सकते हो। एग्जांपल आपको रेट ऑफ फायर डबल मिलता है, ठीक है, लेकिन भाई आप उसे डबल डैमेज में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद जैसे गाइस आप इसे लेवल 6 पे अपग्रेड करोगे इसका लुक फिर से चेंज हो जाएगा। और इस इवो गन की स्पेशल एबिलिटी ये है कि भाई अगर आप लोग 3-4 गोली फायर कर देते हो, ठीक है, इसके बाद रिलोड करते हो तो भाई रिलोड फास्ट होगा। और हमारे इस न्यू इवो गन का एक्सक्लूसिव इमोट देख सकते हो जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर गाइस बात करें कि भाई इमोट कैसा है तो भाई इमोट तो बहुत ही मस्त सा है, ठीक है, मुझे काफी पसंद आया। और लेवल 6 पे ही गाइस अपने ये जो इवो गन है, ठीक है, इसका भाई मैक्स लुक आपको मिल जाएगा। बाकी भाई आप लोग मैक्स लुक को देख सकते हो भाई कतई खतरनाक है। ये इवो गन बिच्छू के थीम पे है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर पीछे के साइड देखोगे तो भाई बिच्छू की तरह या भाई पुंछ से डंक मारता है। और फिर गाइस हमारे लेवल 8 पे आपको मिलेगा फाइनल शॉट का एनिमेशन, ठीक है, यानी भाई जब भी आप किसी लास्ट एनिमी को मारोगे तो उसके ऊपर गाइस बिच्छू का इफेक्ट आएगा। और ये जो गाइस हमारी इवो गन है इसका आप लोग साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई अपनी इवो M10 की, तो अब बात करते हैं अपने इवो बंडल की कि भाई इवो बंडल में कौन कौन से फीचर मिलते हैं। इवो बंडल के फीचर को जानने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा रिवॉर्ड को हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आपको इस इवो बंडल में टोटल 4 बंडल देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ये लास्ट व पांचवा बंडल है ये लुक चेंजर है। पहले तो आपके पास ये नॉर्मल सा वर्जन होना चाहिए, इसके बाद ही आप लोग इस इवो बंडल को अपग्रेड कर पाओगे। इवो बंडल को आप लोग ब्लू कलर में देख सकते हो, ठीक है भाई, दिखने में ये बहुत ही मस्त सा और भाई खतरनाक लगता है। फिर इसके बाद ये वाला इवो बंडल आपको मिलेगा येलो कलर में और येलो कलर कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा मस्त है। फिर इसके बाद ये वाला इवो बंडल आपको मिलेगा पर्पल कलर कॉम्बिनेशन में, ठीक है, जो कि गाइस ये भी काफी सही है। और साथ में गाइस आपको लास्ट में मिल जाएगा अपना लुक चेंजर। और जब भी गाइस आप लोग लुक चेंजर का यूज करोगे आपको बहुत ही मस्त सा इवो बंडल मिलने वाला है, ठीक है। फिर गाइस इस इवो बंडल में आपको मिलेगा एक अराइवल एनिमेशन, और अराइवल एनिमेशन को आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त है। इवो बंडल के साथ आपको मिलेगा एक बिच्छू का इमोट, और भाई बिच्छू का इमोट को आप लोग देख सकते हो, ठीक है भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर इस इवो बंडल में आपको मिलेगा एक गिटार वाला ग्रुप डांस इमोट, ठीक है, जो कि आप अपनी पूरी स्क्वाड के साथ एक साथ कर पाओगे। फिर कुछ स्पेशल इफेक्ट भी मिलेगी, जैसे कि जब भी आप लोग मेडिकेट मारोगे तो भाई कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा। और दूसरी स्पेशल इफेक्ट ये है कि भाई अगर आप लोग इस इवो बंडल को पहनोगे तो आपको भाई चेस्ट पे अपना जो बिच्छू का पैर है वो बाहर निकलेगा। अगर बात करें तीसरे स्पेशल इफेक्ट की, तो जब भी गाइस आप किसी भी एनिमी को मारोगे तो इस बंडल के ऊपर से भाई नुकीले हथियार बाहर निकलेंगे। इसके बाद अगर बात करें लास्ट स्पेशल इफेक्ट की, तो जब भी गाइस आप लोग रनिंग करोगे तो भाई बंडल के पीछे से कुछ इस टाइप की वेव बाहर निकलेगी। तो अब बात करते हैं कि भाई क्या हमें इवो बंडल को परचेस करना चाहिए या फिर हमें इवो M10 को परचेस करना चाहिए। तो देखो गाइस अगर मेरी ओपिनियन की बात करूँ, ठीक है, लेकिन आपका ओपिनियन थोड़ा सा मुझसे अलग हो सकता है। तो यार मेरा ओपिनियन ये है कि भाई हमें इवो बंडल को परचेस करना चाहिए, क्योंकि गाइस अपग्रेड तो हमें इवो M10 को भी करनी है
और अपग्रेड हमें इवो बंडल को भी करना है। कि भाई इवो M10 के मुकाबले हमें इस इवो बंडल में टोटल 4 बंडल मिलते हैं, ठीक है, साथ में एक लुक चेंजर भी मिलता है। इवो M10 में हमें सिर्फ एक ही इमोट मिलता है, लेकिन भाई इस इवो बंडल में एक अराइवल एनिमेशन और 2 इमोट मिलते हैं। इवो M10 में कुछ स्पेशल इफेक्ट मिलते हैं, जबकि गाइस हमारी इवो बंडल में भी हमें स्पेशल इफेक्ट मिलती है। और गाइस आप लोग इस इवो M10 का तभी यूज कर पाओगे जब गाइस आपको ये गेम में मिलेगी। लेकिन गाइस आप लोग इवो बंडल को जब चाहे पहन सकते हो, ठीक है, जब चाहे गाइस यूज कर सकते हो। अगर मेरे ख्याल से भाई हमें इवो बंडल को परचेस करना चाहिए, ठीक है, लेकिन भाई आप लोग इनमें से कौन से रिवॉर्ड को परचेस करने वाले हो कमेंट में बताना। अगर तुम जानना चाहते हो कि भाई अपना इवो बंडल कब आएगा, किस इवेंट में आएगा, और साथ में जो अपनी न्यू इवो M10 है वो कब आएगी, किस इवेंट में आएगी, तो यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इन दोनों वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है, तो जाके चेकआउट कर लेना। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस।